अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अफसार अहमद मदीना मुनव्वरा से। तो आज मैं आया हूँ हरम शरीफ मगरिब की नमाज़ पढ़ने। तो इंशाअल्लाह आपको हरम शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, कुछ नया भी दिखाएंगे। तो फाइनली हरम पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है हमने 10 AM में। तो अब हम जाएंगे वजू करने के लिए। और हम वजू करके ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वजू हो गया है, तो हम जा रहे हैं ऊपर। इसमें बिल्कुल सन्नाटा है। फाइनली ऊपर आ गए हैं और इंशाल्लाह अब हम जाएंगे अंदर, कहाँ पे जगह मिलती है नमाज पढ़ने के लिए। और गलियों में कसदन भटक जाएंगे हम, वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, थक जाए थक जाए। तो अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं सब लोग के कितना सुकून है। मगरिब का टाइम हो गया है, बस अभी 10 से 15 मिनट में अजान हुई थी यहाँ पर। सब लोग अंदर जा रहे हैं नमाज के लिए। रोज़े मुबारक के पास तो अभी फुल हो गया होगा, पता नहीं हम पहुँच पाए कि ना पहुँच पाए। यहाँ से कुर्सी वगैरह मिलती है, कोई अगर बैठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो वो कुर्सी लेके नमाज पढ़ सकता है। जमजम लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह जमजम हम पियेंगे अभी। जमजम पी लिया है, एनर्जी आ रही है, अंदर पी गया अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर का व्यूज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे तो रोज़े मुबारक दिखाई देगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अंदर आ गए हैं, और ये जो आप फर्स्ट छतरी देख रहे हैं ऊपर, और इसके बाद एक और छतरी आएगी, फिर वहीं पर रोज़े मुबारक हैं, मगर वो दिख नहीं पाएगा छतरी की वजह से, क्योंकि सब ढका हुआ है। बाहर की साइड नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि सब दरवाजे बंद कर देते हैं, वापस मुझे इस तरफ आने में बहुत दिक्कत होगी। ये सामने रोज़े मुबारक है, तो छतरी की आग होगी, चेचाई करेंगे धीरे धीरे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है ना। कुरान शरीफ रखे हुए हैं यहाँ से, किसी को भी कुरान शरीफ पढ़ना हो तो यहाँ से उठा के पढ़ सकते हैं और वापस यहाँ रख सकते हैं। वर्कर हेल्प करते हैं, कहीं कुरान इधर उधर रखा हुआ है तो वो उठा के अपनी जगह पे उनको रखते हैं। ये कितने खुशनसीब हैं कि
हैं, उनको कुछ पांचों टाइम की नमाज हरम शरीफ में मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मगरिब की अजान होने वाली है तो इंशाल्लाह आपको मगरिब की अजान सुनाएंगे मदीना मुनव्वरा की। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो वक्त में जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, कभी कभी ऐसा होता है कि दो मरतबा भी जनाजे की तकबीर होती है, दो मरतबा की नमाज़ पढ़ाई जाती है, और एक साथ कभी 10 होते हैं, कभी 5, कभी 6। इतनी भीड़ वैसे नहीं है फिलहाल। हम बाहर जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, सब नमाज़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं। ये वॉच लगी है घड़ी, सारा टाइम यहाँ पे देख रहा है किस टाइम कौन सी नमाज है। बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है, व्यूज देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जाएंगे पार्किंग में 10A, इस वाली पार्किंग में, ये जो देख रहे हैं सामने। नमाज़ ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग दुआ करते रहिए कि हम हरम शरीफ आते रहें और नमाज़ पढ़ते रहें। महीने में 2-3-4 बार हो जाता है, जो कि जुमे वाले दिन आ सकते हैं, वैसे तो काम वगैरह रहता है, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लिफ्ट है और यहीं से अभी नीचे जाके पार्किंग में पे करेंगे, मशीन लगी हुई है गाड़ी का, ये मशीन काम करने रही है, तो नीचे जा रहे हैं बी में, वहाँ देखते हैं कि वो मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बी में जाके देखेंगे कि मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वहाँ मशीन तो लगी हुई है, काम करे कि ना करे। ये मशीन काम कर रही है, इसमें हम ऐसे करेंगे, देखिए आ गया 2 रियाल 30 हलाला। यहाँ से पैसे अंदर डालेंगे, बाकी के चेंज अभी यहाँ पे आ जाएंगे। पे कर दिया है, पार्किंग में आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली, बहुत अच्छा लगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सभी को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये गाड़ी है
और हम पहुंच गए गाड़ी के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।